ओर एक और तूफान आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में हुदहुद नाम का तूफान सक्रिय हो गया है और ये आज अंडमान निकोबार द्वीप को पार कर जाएगा और संभावना है कि 12 अक्टूबर तक ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक पहुंच जाएगा। अब से कुछ देर बाद मौसम विभाग इस तूफान की ताजा जानकारी जारी करने जा रहा है और इसीलिए ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई है। तो आपको बता दें ये हुदहुद नाम का तूफान 12 अक्टूबर को बताया जा रहा है आंध्र ओडिशा की तरफ ये आने वाला है और बताया जा रहा है थोड़ी देर में मौसम विभाग जो है इसके बारे में ताजा जानकारी देने वाला है। तो भारत की ओर एक और तूफान आगे बढ़ा है। बंगाल की खाड़ी में हुदहुद नाम का तूफान सक्रिय हो गया है और ये आज अंडमान निकोबार द्वीप को पार कर जाएगा और संभावना ये जताई जा रही है कि 12 अक्टूबर तक ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच जाएगा। अब से कुछ देर बाद हालांकि मौसम विभाग तूफान को लेकर जो भी ताजा जानकारी है वो जानकारी देगा। ये आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से किस तरह से ये तूफान आगे बढ़ता जा रहा है और 12 अक्टूबर तक बताया जा रहा है ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच जाएगा। और आपको बता रहे हैं दरअसल हुदहुद तूफान है क्या। हुदहुद इसराइल की चिड़िया का नाम है और इसी के नाम पर इस तूफान का नाम रखा गया है। ओमान ने दिया है तूफान का नाम हुदहुद। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ है ये तूफान जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये अभी इट इज टू अर्ली टू से एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर हिट करेगा। कल तक और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। एज ऑफ नाउ इट इज टोल्ड दैट इट मे हिट बिटवीन कलिंगापट्टनम एंड विशाखापट्टनम वाइजर। या दिस माइट बी अ वेरी सीवियर बट नॉट एज सीवियर एज फाइलिन लास्ट ईयर। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, यही अभी हम जानना चाहेंगे कि पाइलन हमें याद है और लोगों के दिमाग में भी ताजा जानकारी अभी ताजा बातें और उसकी यादें होगी पाइलन को लेकर। बताया जा रहा है लगभग उसी से मिलता जुलता ये हुदहुद जो है तूफान वो भी है और लगभग उसी तरह से उसी इलाके से ये भी होता हुआ आ रहा है। दोनों में क्या समानताएं हैं या फिर किस तरह से ये अलग है और हुदहुद कितना एक तरह से खतरनाक हो सकता है? देखिए, काफी खतरनाक हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो अब तक जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाए हैं तो इसमें विंड्स की मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है और इस कैटेगरी को वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है, यानी बहुत ऊंची कैटेगरी का एक स्टॉर्म कहा जाता है। अगर ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा की जो कि स्पीड अभी आंकी जा रही है वो हवाएं उस समय आती हैं तो काफी ज्यादा ये नुकसान कर सकता है। और फिलहाल जो ये इस पर नजर रखी जा रही है और विशाखापट्टनम के पास ये इसके हिट करने की संभावना है, 12 तारीख की शाम तक इसके हिट करने की संभावना है, लेकिन तब तक ये देखना जरूर है। मौसम विभाग इस पर पूरी नजर रखे हुए है कि किस तरह से ये बिल्डअप होता है या इसमें कुछ हद तक अगर कमजोरी आती है तो ये सब चीजें फिलहाल नजर बना रखे। मनोज, आगे भी आपसे इस बारे में हम जानकारी लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। अंडमान सागर पर कम दबाव के क्षेत्र से बना है ये हुदहुद। आज अंडमान और निकोबार पार कर जाएगा हुदहुद तूफान। अंडमान निकोबार में भारी बारिश की संभावना इसके मद्देनजर जताई जा रही है। 12 अक्टूबर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ताजा अपडेट इस बारे में थोड़ी ही देर में जारी करेगा, लेकिन 12 अक्टूबर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंचने की इसकी संभावना है। फिलहाल तूफान की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और इसके मद्देनजर एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। 12 अक्टूबर तक 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच सकती है ये तूफान। हमारी टीमें तैयारी पोजीशन में है। एनडीआरएफ मुंडली बटालियन में 12 टीमें अवेलेबल हैं। अभी जो साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी तक डीप डिप्रेशन है, ये मैक्सिमम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जा सकता है। अभी तक का इंफॉर्मेशन जो आईएमडी से मिला है मैक्सिमम 140 स्पीड जा सकती है और ये जो हिट करने की पॉसिबिलिटी है ये कलिंगापट्टनम और वाइजैग के बीच में।